स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 सिविक्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ऑलरेडी इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर की पहली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। डिफाइन द टर्म डेमोक्रेसी। फर्स्ट क्वेश्चन, Democracy is a form of government in which the rule over the country is of the people, for the people and elected by the people. Democracy एक ऐसा form है government का जिसमें जो rule होता है of the people होता है, for the people होता है और elected by the people होता है। Next question, state the main features of democracy. Democracy के main features क्या होते हैं? बहुत सी बार questions exam में ही put किया जाता है कि what are the main features of democracy? In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है, जो जनता उनको चूज करती है। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी एक ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है जहां पर जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं फ्री और फेयर किए जाते हैं, जिसमें एक पार्टी विन करती है दूसरी पार्टी लूज करती है। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक अडल्ट सिटीजन की, अडल्ट सिटीजन्स दोज हुआ अबव 18 इयर्स और 18 इयर्स अबव, दे हैव द राइट, उनको अधिकार होता है वोटिंग का, तो एंड देयर वोट कैरी, ईच वोट कैरी वन वोट एंड इक्वल वोट कैरी, ईच वोट कैरी वन वैल्यू। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनका मेन फीचर है कि उनको रूल्स जो बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा उनको फॉलो करना और सिटीजन्स के राइट्स का ध्यान रखना। Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. It enhances the dignity of the citizens. Democracy का एक main feature है आपस में लोगों के differences को हटाना, conflicts, वाद विवाद हो उसको हटाना, और लोगों की जो dignity है उसको बरकरार रखना। Next question, why is democracy considered the best form of government? Democracy को best form of government क्यों कहा जाता है? तो democracy cannot give us everything, but it is clearly better than any other alternative. हम ये नहीं कह सकते कि democracy हमें हर चीज दे सकती है, but जो भी दूसरे form है government के उससे सबसे better form माना गया है democracy को। It offers better chances of good decision. It is likely to respect people's own wishes and allow different kinds of people to live together. Democracy गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जो लोगों की विशेष को पूरा करता है, जो लोगों को अलाउ करता है कि वो एक साथ मिलकर हैप्पीली रह सके। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर मोर डिग्निटी ऑल सिटीजन्स। और बहुत सी बार डेमोक्रेसी के अंदर खुद ही चांसेस दिया जाता है कि अपनी मिस्टेक्स को खुद सुधारा जा सके और लोगों की जो डिग्निटी है उसको एनहांस किया जा सके। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर PRI, व्हाट डर्टी ट्रिक्स डिड इट प्ले टू विन इलेक्शन इन मेक्सिको। PRI क्या होता है और कौन सी डर्टी ट्रिक्स ये लोग खेलते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन मेक्सिको के अंदर। तो PRI वॉज अ पार्टी कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मेक्सिको। PRI एक पार्टी है जिसका नाम, जिसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी मेक्सिको के अंदर। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनको जब ये इलेक्शन के दौरान कोई भी पार्टी मीटिंग्स हेल्ड होती है तो इन लोगों को वो अटेंड करनी पड़ती है पार्टी मीटिंग। इवन द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। और जो टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को भी फोर्स किया जाता है कि वो सिर्फ किसको वोट दे, PRI को ही वोट दे। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है जो भी अपोजिशन पार्टी खड़ी होती है पॉलिटिकल पार्टी, और उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाता है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट। और अल्टीमेटली जब लास्ट मोमेंट आता है तो पोलिंग बूथ्स को भी शिफ्ट कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और लोग ये समझ नहीं पाते कि और उनके लिए डिफिकल्टी होती है कि वो अपना वोट किस तरीके से दे। तो द PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। और PRI बहुत खर्चा करती है जब इलेक्शंस का टाइम होता है अपने कैंडिडेट को किसी भी हालत में जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन चाइना विथ मैक्सिको। हमें कंपेयर करना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चाइना का, मैक्सिको का, दोनों का किस तरीके का है। फर्स्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं चाइना के बारे में। इन चाइना इलेक्शंस डू नॉट ऑफर पीपल एनी चॉइस। चाइना के अंदर इलेक्शंस तो होते हैं बट लेकिन पीपल के पास कोई फेयर चॉइस नहीं होती, हम कह सकते हैं फ्री एंड फेयर नहीं होते। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव बाय इट।
चाइना के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है वही इलेक्शंस कंडक्ट करती है, और कंडक्ट करने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी बात ही माननी होती है। नेक्स्ट मैक्सिको। इन मैक्सिको द पीपल सीम टू हैव अ चॉइस बट पर्टिकुलरली दे डिड नॉट हैव एनी चॉइस। मैक्सिको के अंदर लगता तो है कि लोगों के पास चॉइस है, बदले में अपोजिशन में पार्टी खड़ी भी होती है, बट कोई भी पीआरआई पार्टी के सामने टिक नहीं पाती और ना ही जीत पाती है। देर वॉज नो वे दैट द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ द पीपल वर अगेंस्ट इट। और कोई ऐसा तरीका होता ही नहीं है, रूलिंग पार्टी खड़ी भी हो जाए तो उसको कोई हरा, मतलब रूलिंग पार्टी को कोई, मतलब वो किसी भी तरीके से, देर वॉज नो वे दैट द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ द पीपल वर अगेंस्ट इट। रूलिंग पार्टी को हराना किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं हो पाता है, चाहे लोग उसके कितने ही खिलाफ क्यों ना हो। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिया है। ऑलरेडी हमने ये चैप्टर पूरा फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो कर ले, ताकि आपको मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।